तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिन रॉड क्या है, फिन रॉड क्यों होता है और फिन रॉड को आप कैसे ठीक कर सकते हो। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ, ये प्रॉब्लम जो है वो मेनली बिगिनर का आता है, यानी कि जो मछली नया नया पालना शुरू किया है उन पे ही आता है। बेटा फिश को ही नहीं, गोल्ड फिश या फिर मौली गप्पी, ये सभी मछली में होता है। मेनली ये बेटा फिश में होता है क्योंकि बेटा फिश का फिन जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए और आपका मछली बिल्कुल सेहतमंद रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिन रॉड एक ऐसा चीज़ है जिसमें किसी भी मछली का, चाहे वो बेटा फिश हो, गोल्ड फिश हो, जिसका भी मतलब बड़ा बड़ा फिन होता है, वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है। इसे फिन ड्रॉप डिजीज़ या फिर फिन रॉड डिजीज़ दोनों ही बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि मछली का जो फिन है वो धीरे धीरे गिरने लग जाता है, शरीर से अलग होने लग जाता है। तो इसमें तीन कारण से होता है दोस्तों, मेनली इसका तीन कारण है। तो पहला जो कारण है दोस्तों, पानी का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता है, यानी कि फ्लक्चुएशन होता है, तो उसके वजह से फिन रॉड हो जाए। देखिए दोस्तों, समझ लीजिए आपके वहाँ पे आज धूप हुआ और शाम मतलब सुबह के टाइम पे धूप हुआ और रात के टाइम पे बारिश हुआ, तो सुबह के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो ऊपर रहेगा और रात के टाइम पे बारिश होने के कारण से वो टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। तो इसके वजह से दोस्तों टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है और ये ऊपर नीचे होने के कारण से ही मछली में फिन रॉड होता है, क्योंकि मछली का जो जितना भी फिन होता है उसमें 80% पानी होता है और टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें पानी निकलता है और भरता है। जो लोग गोल्ड फिश पाले हो बाहर, घर के बाहर, उनको पता है कि गर्मियों में गोल्ड फिश के जो पूँछ है, जो पूँछ के फिन होता है, टेल का फिन होता है, उसमें पानी भर जाता है, उसके वजह से गोल्ड फिश को तैरने में बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज़ दोस्तों बेटा फिश या फिर दूसरे फिश में हर दिन होने से वजह से उसका फिन धीरे धीरे डैमेज हो जाता है और शरीर से अलग हो जाता है। तो आप इसे रोक कैसे सकते हो दोस्तों? आप इसे रोकने के लिए जो टैंक है मछली का, बेटा फिश का मैं मेनली बता रहा हूँ, उस टैंक के ऊपर एक प्लास्टिक का सीट दे देना। प्लास्टिक के सीट से होगा ये कि बाहर का जो हवा है वो अंदर नहीं आ पाएगा और अंदर का हवा जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा। इस तरह से आपका जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है बहुत धीरे धीरे होगा। होगा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन मगर वो होने में टाइम लगेगा। इससे क्या होगा कि मछली को संभालने में वक्त मिल जाएगा, तो आपको फिन रॉड डिजीज़ नहीं होगा। और दोस्तों फिन रॉड डिजीज़ होने का जो सेकेंड रीज़न है वो मेन रीज़न है, वो है पानी में एमोनिया या फिर बहुत सारे नाइट्रेट वगैरह ऐड हो जाना। देखिए दोस्तों, ये ऐड होता नहीं, ये मेनली मछली का जो पूप है, यानी कि जो पॉटी है या फिर एक्स्ट्रा का बचा हुआ खाना है, ये सब धीरे धीरे पानी में सड़ने लग जाता है, इसके वजह से एमोनिया बनता है। और एमोनिया दोस्तों एक ऐसा चीज़ है, समझ लो हमारे जैसे हवा में धुआं वगैरह होता है तो हमारे आँख में जलन होता है, तो इसी तरह से पानी में अगर एमोनिया वगैरह बढ़ जाता है तो मछली का आँख में भी जलन होता है, उसके शरीर में भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है और धीरे धीरे उसका जो फिन है, यानी कि शरीर का जो पतला पतला हिस्सा होता है, उसमें धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसी तरह से दोस्तों उनका फिन जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, यानी कि शरीर से अलग होने लगता है। तो ये रोकने के लिए दोस्तों आपको फ्रीक्वेंटली पानी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों हर दिन पानी चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको करना है कि पानी के नीचे जितना भी कचरा वगैरह है वो आपको साइफन करके, यानी कि एक पाइप की मदद से पानी को निकाल देना है। नीचे का जितना भी कचरा है उस पानी के साथ निकल जाएगा और ऊपर से आपको पानी ऐड करना है दोस्तों। और दोस्तों जो पानी आप ऐड करने वाले हो, कोशिश करना वो पानी 3 से 5 दिन पुराना हो, वही पानी ऐड करना। और जब आप पानी चेंज करने वाले हो, मिनिमम आप 30% से ऊपर पानी मत चेंज करना, ठीक है? 30% के नीचे हमेशा पानी साइफन करके नीचे का जो कचरा है वो निकालने की कोशिश कीजिए। और जो 30% पानी ऊपर से खाली हो चुका है वो 30% पुराना पानी दे के भर दीजिए। और ऐसा दोस्तों आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर करना है। तो इससे होगा कि मछली को आपको कभी भी टैंक से बाहर ही निकलना नहीं पड़ेगा, पानी भी गंदा नहीं होगा और आपका मछली भी सेहतमंद रहेगा। तो ये आप हर 3 से 5 दिन में कर सकते हो, या फिर हर संडे अगर आपको वक्त मिलता है तो 7 दिन छोड़ छोड़ के हर संडे आप कर सकते हो, इससे भी आपका मछली सेहतमंद रहेगा। मगर इसमें क्या है कि दोस्तों आपको 30% के बदले 40% तक चेंज कर सकते हो, अगर हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो 40% जब दोस्तों आप चेंज करोगे, कोशिश करना कि वो पानी में आप आर्मन लीव वगैरह डालो। अगर आर्मन लीव नहीं है दोस्तों तो वो पानी पुराना तो होना ही चाहिए, वो पूरा मतलब नेसेसरी है, आपको पानी पुराना रखना ही है, कभी भी नया पानी में मछली को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नया पानी में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल रहता है, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, उसके ऊपर हमारा जो कॉरपोरेशन का पानी होता है उसमें क्लोरीन भी होता है। तो आपको नया पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है दोस्तों। बार बार नया पानी में मछली रखने से भी कभी कभार इसमें फिन रॉड डिजीज़ आ जाता है, तो नया पानी भी एक पॉइंट आता है दोस्तों, नया पानी भी आपको यूज़ नहीं करना है।
और एकदम लास्ट में जो पॉइंट आता है दोस्तों फिन ड्रॉप डिजीज होने का, वो है बहुत सारे कीड़ा होता है पानी में, वो कीड़ा या फिर जो पैरासाइट वगैरह होता है वो। दोस्तों देखिए हम बहुत टाइम क्या करते हैं एक्वेरियम को सजाने के लिए लाइफ लाइन वगैरह डाल देते हैं, और दोस्तों उस लाइफ लाइन के साथ साथ ही कभी कभार होता है कुछ कीड़ा वगैरह आ जाता है। दोस्तों बहुत सारे कीड़ा ऐसा है जो मछली खुद खा जाता है, तो उससे मछली को कुछ नुकसान नहीं होता है, मगर कुछ कुछ कीड़ा ऐसा होता है कि जो मछली खा नहीं पाता है, वो बहुत छोटा होता है और वो मछली के शरीर में जाकर चिपक जाता है, मछली के फिन में, मछली के गिल्स में घुस जाता है। तो उस टाइम कैसा होता है कि मछली को खुजली होता है, बहुत ज़्यादा खुजली होता है। तो हम लोग कैसे खुजली होता है, तो हम लोग हाथ से खुजा लेते हैं, मगर मछली तो ऐसा कर नहीं सकता है। तो बेटा फिश क्या करता है कि अपने कोई फिन में अगर खुजली हो रहा है, तो वो दोस्तों इतना इरिटेट हो जाता है, वो फिन अपने मुंह से निकाल देता है। दोस्तों मैंने अपने आंखों से देखा है कि बेटा फिश अपना फिन को खुद से निकाल देता है। तो ऐसा बहुत टाइम हो जाता है दोस्तों, अगर आप लाइफ फुट देते हो उसके साथ भी कभी कभार होता है कि बहुत सारे अनजाना कीड़ा वगैरह आ जाता है। तो आपको ध्यान से लाइफ फुट यूज़ करना है दोस्तों, ताकि उसके साथ कोई कीड़ा वगैरह ना आए। तो यही तीन मेन कारण था दोस्तों। तो पहले से मैं आपको एक रिमाइंड कर देता हूँ, पहला जो कारण था वो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, उसे आप एक प्लास्टिक का सीट देकर रोक सकते हो। दूसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो था पानी के क्वालिटी के ऊपर, वो आप पानी को साफ रख के मेंटेन कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट था दोस्तों वो था लाइफ प्लांट के ऊपर, यानी कि लाइफ प्लांट के साथ जो कीड़ा वगैरह आता है उसके ऊपर आप उसे वॉश करके अच्छे से दे सकते हो, तो पूरा आपका मछली जो है कभी भी फिन रॉड वगैरह नहीं होगा। अब दोस्तों जिस मछली को ये फिन रॉड डिजीज हुआ है उसे कैसे आप ठीक कर सकते हो, ये तो मेन मुद्दा था। तो दोस्तों उसे मिथेनॉल ब्लू दो या फिर कोई भी एंटीफंगल मेडिसिन दो, दे के उसे एक साफ़ पानी में रखो जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ऊपर है। अगर आपके पास हीटर है तो हीटर लगा दो, वरना हीटर नहीं है तो उसी पानी में रख दो। अगर सर्दियों का टाइम है तो आपने घर के अंदर रखो उसे, उसे रख के अच्छे से मिथेनॉल ब्लू वगैरह दे दो। सॉल्ट वगैरह यूज़ मत करो क्योंकि फिन काटा हुआ है, सॉल्ट पानी में उसे दिक्कत होगा। तो अगर आपके पास मिथेनॉल ब्लू है तो वो दो। ग्रीन वाला मेडिसिन जो है वो दे सकते हो, मैलासाइट ग्रीन है उसका नाम, तो वो दे सकते हो। तो कोई भी एंटीफंगल मेडिसिन दे सकते हो ताकि उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना बढ़े। तो ये सब यूज़ करके आप उसका फिन ड्रॉप डिजीज़ जो है वो ठीक कर सकते हो। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, ये फिन ड्रॉप डिजीज़ अगर हो जाता है किसी मछली का, ये एक सच्चाई है कि उसका जो फिन है वो दोबारा ग्रो हो जाएगा, मगर पहले जैसा ग्रो नहीं होगा। अगर समझ लीजिए सुपर रेड का फिन ड्रॉप हुआ है, सुपर रेड बेटा फिश का फिन ड्रॉप डिजीज़ हुआ है, तो उसका जो फिन होगा वो पहले जैसा रेड नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा उसमें। तो यही है दोस्तों, अगर फिन ड्रॉप डिजीज़ आता है तो उसे ठीक करना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा मतलब चांस नहीं है कि मछली मरेगा, 10 में से 10 मछली ही बच जाएगा अगर आप जल्दी से उसे ठीक कर पाओ तो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। लाइक कर देना वीडियो को 100 लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।